Hello friends, assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel Gossip Pakistan. आज की इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे एमी अवार्ड्स 2021 की. आपको बताएंगे किसके सर पर सजा सहरा, कौन ले उड़ा कौन सा एजाज. To continue, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. अमेरिका में टेलीविजन प्रोग्राम्स के लिए नामवर तरीन 73 एमी अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है. एमी अवार्ड्स की तकरीब का इनेकाद गुज़िश्ता रोज़ लॉस एंजल्स में किया गया है. तकरीब की मेज़बानी के फ़राइज़ अमरीकी अदाकार सेड्रिक द एंटरटेनर ने निभाए. गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानवी शाही ख़ानदान के हालात पर मबनी सीरीज़ द क्राउन बरतानवी सॉकर टीम के अमरीकी कोच की कहानी पर मबनी मजाहिया शो टीडाला सो और मेयर ऑफ स्टेट टाउन 12 अवार्ड्स में से 10 अवार्ड्स अपने नाम करने में कामयाब रहे. एमी अवार्ड्स का मेला ड्रामा द क्राउन लूटने में कामयाब रहा. तकरीब के दौरान ड्रामा द क्राउन ने बेहतरीन अदाकार और अदाकारा समेत 7 अवार्ड्स अपने नाम किए. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल टीवी प्लस के टेडला सो और एचबी के मेयर ऑफ ईस्ट टाउन को एमी अवार्ड्स तकरीब के पहले अवार्ड से नवाजा गया. दौरान तकरीब टेडला सो को बेहतरीन कॉमेडी और क्वीन कम्बैक्ट को बेहतरीन महदूद सीरीज के एजाज से नवाया गया. इसी तरह एमी अवार्ड्स में डी क्राउन ने बेहतरीन ड्रामा सीरीज का एजाज़ हासिल किया. बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड विलिया को लेमन, बेहतरीन अदाकार जोश ओ कॉनर, बेहतरीन मावन अदाकार गलियन एंडरसन और बेहतरीन मावन अदाकार तोबियास मेंजीज ने हासिल किया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा कैट वेंसलेट को महदूद सीरीज़ के मेयर ऑफ स्टेट टाउन में अदाकारी पर बेहतरीन मरकजी अदाकार के एजाज़ से नवाजा गया. ख्याल रहे कि गुज़िश्ता बरस की वर्चुअल तकरीब के बरक्स इस साल एमी अवार्ड्स के लिए 500 के करीब मेहमानों की एक फहरिस्त तैयार की गई थी. सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो देन गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग.